यूपी के बुलंदशहर के छतारी थाना क्षेत्र में बारातियों से भरी तेज रफ्तार बेकाबू बस ने सड़क किनारे खड़े 5 दलितों को रौंद डाला और इसी के साथ हादसे में 3 दलित ग्रामीणों की मौके पर ही मौत हो गई जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। जी हां, आपको बता दें बुलंदशहर जनपद के पहासों से बारातियों से भरी एक बस छतारी के कमौना में स्थित फार्म हाउस में जा रही थी। बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार बस ने अनियंत्रित होकर कमौना गांव में सड़क किनारे खड़े 5 ग्रामीणों को रौंद डाला और इसी के साथ यही नहीं एक बाइक में भी टक्कर मार दी। हादसे के बाद गांव में अफरा तफरी का माहौल हो गया। मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी जहां मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। गांव में 3 दलितों के हादसे में मौत के बाद मातम पसरा हुआ है। वही एसपी देहात ने बताया कि हादसे में सड़क किनारे खड़े ग्रामीण विनोद 38 वर्षीय पुत्र भूपदेव सिंह, अशोक 38 वर्षीय पुत्र विजय सिंह, रिंकू 26 वर्षीय पुत्र विजयपाल की मौत हो गई है जबकि अरविंद पुत्र विजयपाल और बादल पुत्र जोगेंद्र सिंह निवासी कमोना घायल हो गए हैं। मृतकों के शवों का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और घायलों को अलीगढ़ के लिए रेफर कर दिया गया है। हादसे की जानकारी मिलने के बाद एसपी रोहित मिश्रा और सीओ रामकरण सिंह ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। देर रात हुए हादसे में 3 लोगों की मौत के बाद गांव में मातम पसरा हुआ है। वही मामला दर्ज कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है। आपको बता दें ग्राम प्रधान प्रदीप कुमार ने बताया कि हादसे का शिकार हुए लोग दलित मजदूर परिवार से हैं। उन्होंने सीएम योगी से मृतकों के परिजनों को आर्थिक सहायता मुहैया कराने की भी मांग की है। देखिए बुलंदशहर से धर्मेंद्र निगम की खास रिपोर्ट। थाना क्षेत्र छतारी के अंतर्गत सूचना प्राप्त हुई कि बायोडीजल के पास बाबा वीर समाधि स्थल के पास एक अनियंत्रित बस द्वारा मोटरसाइकिल तथा कुछ राहगीर को टक्कर मार दिया गया, जहां पर मौके पर सभी अधिकारियों द्वारा भी मुआयना किया गया। सभी घायलों को सुरक्षित इलाज नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया जहां पर 3 लोगों की मृत्यु हो गई तथा 2 के इलाज मेडिकल कॉलेज अलीगढ़ रेफर किया गया है तथा 3 लोगों की डेड बॉडी पीएम हेत मोर्चरी बुलंदशहर भेजा गया है। परिवारजनों से तहरीर प्राप्त कर मुकदमा पंजीकृत कर आगे अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। सभी लोग ग्राम कमैना थाना छतारी के निवासी हैं।